उस तो लिया क्योंकि हरिमंदर साहब का जिहड़ा सरोवर सी उह लखपत राय ने गंदगी दे नाल भरिया सी। सो बहुत थावां हुंदियां ने, आपां बिना गल तों वी नहीं लड़ना, बहुत थावां ते ने अज वी उह प्यो पुत्तर लखपत राय ने, अज वी उहनां चों उही आत्मा है। उहनां लखपत राय नूं अंदर सुट्टण दे लई सानूं दूजिआं नाल समझौते वी करने पैणे। इतिहास तों बाहर तुसीं नहीं जा सकदे। सिख हमेशा लड़दा आया है। एक सिख ऐसा करैक्टर पैदा होया दुनिया दे अंदर, एक ऐसी बरात बनी सी हरिमंदर साहब दी बेदबी हुंदी है ते एक सिख उठ के चिट्टे कपड़े पाके ते एक बरात तैयार कीती है जिहड़ी 100 कदम ते जाके अगे मौत खलोती है। शहीद भाई गुरबख्श सिंह जिंदे वर्गी कुरबानी दुनिया ते नहीं है। ते सिख उदों वी लड़े ने, सिख भज्जे कदों ने। फिर उस तों बाद जथेदार लक्ष्मण सिंह धारोवाल जिन्हां नूं ननकाणा साहब च शरेआम कष्ट दे के मार दिता गया। फिर उस तों बाद 2015 सिद्धा ही आपां आ जांदे आ, 61 वी विच आउंदा है, 78 वी विच आउंदा है, तां लास्ट 2015 दे विच दो बंदिआं नूं गोलियां नाल मार दिता जांदा। इह कौण सी? इह तां तुहाडे सिख सी जिन्हां नूं तुसीं मुख्यमंत्री बणाया सी। ते किड्डी शर्म वाली गल है, उह सुखबीर सिंह बादल इत्थों पिछले हफ्ते लंघिया ते उह चढ़ा के लंघिया मोर्चे, उस ते गुस्सा नहीं आउंदा। कारण की आ? उह तां लखपत राय टाइ, उहनां नूं तां करना ही। शर्म उदों आउंदी है जदों साडे नाल दे नीलियां पग्गां फड़ के अमृत छक के नाल तुरदे ने। यार तुहानूं संग नहीं आउंदी आ? फिर तुसीं आपदे घरे मस्से रंगण दी फोटो लाओ, अहमद शाह अबदाली की फोटो लाओ, फिर कली इंदिरा गांधी नूं गालां क्यों कढ़नियां ने? सो इहो जिहे पखंड करने छड्डो, दो बेड़ियां ते ना चलो। सो मैं इह गल कहूंगा, जे अज इत्थे सरकार आई है, जे तुहाडे नाल कोई दसदे ने, क्योंकि असीं देखो इंसाफ लैणा है, तो देखो इंसाफ तां हुण इहदे थ्रू ही लिया जाऊगा। इह तां है नहीं कि आपां इत्थों हुण असला चुक के दिल्ली नूं तुर पईए, जाके करोंगे की? आखिर तुसीं किसान मोर्चा लाया सी ते साल बाद जिते हो तुसीं, सरकार तुहाडे अगे गोडे टेकदी, ते जे इह सरकार गोडे टेकदी है तुहाडे अगे आके ते तुहाडियां मंगां मन्नदी, 295 च सोध करदी है ते इहनां दे लखपत राय हरां दे खिलाफ चलान पेश करदी है, ते मेरे देखण च फिर तां वाजिब है। जे इह नहीं गल करदी फिर आपां नूं लड़ना ही पैणा है। सो इक ना तुसीं रस्ता दस्सिया करो कि आपां किवें करना। सारे क्वेश्चन छड के अगों आंसर लई मूंह खुल्ला करदे ने, ते लोक की कहणगे? जां इत्थों उठ के जाणगे की कहणगे? किहदे नाल जाके लड़ीए असीं? दो पॉइंट ने, इक तां इहनां दे खिलाफ चलान पेश कराओ, दोनां प्यो पुत्तरां दे खिलाफ कराओ, एक 295 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਓ, ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਾਓ। ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਜੀ ਆ ਕੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਿ 2007 ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੇ 3-4 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਉਲਟ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਲੜ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਜੂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 295 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।